بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد जिन्होंने अपने फर्जंदों को ऐसा तरबियत किया कि कर्बला में सैयदुश्शुहदा पर अपनी जानों को निछावर किया है। मौला कायनात अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब आपने जब इस बीवी का इंतखाब करना चाहा तो अपने भाई अकील से किया और जनाब अकील नसाब थे, वो नसब शनास थे और मदीने में तमाम लोग आकर जनाब अकील से अपने अपने ख़ानदान के नसब को जानते और जनाब अकील उन्हें बयान करते। जनाब अकील को ये महारत कि वो नसब शनास थे, यानी तमाम ख़ानदानों को जानते थे, इसलिए कोई जनाब अकील अपने ख़ानदान की बड़ी तारीफ नहीं कर सकता था, इसलिए अगर कोई करता तो जनाब अकील फौरी कह देते कि तेरा दादा ये था, तेरा बाप ये था। जनाब अकील सब खोल कर देते कि तेरा ख़ानदान ये है। तो जनाब अकील से मौलाए कायनात ने मशवरा किया और जहाना के मौलाए कायनात बाप मदीनतुल इल्म है मगर ये सिखा रहे हैं अपने चाहने वालों को कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा करें, मखसूसन शादी के मसले में अपने ख़ानदान वालों से अपने बुज़ुर्गों से मशवरे के साथ, और अगर एक जौजा का इंतखाब करें तो कैसे इंतखाब करें, ये मौलाए कायनात मियार दे रहे ता क़यामत तक अपने चाहने वालों के लिए। कहा अकील मुझे एक ऐसी जौजा चाहिए कि जिससे एक शुजा और बावफा बेटा पैदा हो कि जो कर्बला में मेरे हुसैन का साथ दे। तो जनाब अकील ने फातिमा कलाबिया का इंतखाब किया, फातिमा कलाबिया कि जिसका बाद में लकब पड़ा उम्मुल बनीन। कि जब आप फरिश्ता जनाब अकील लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद
आपके वालिद से जिक्र करते हैं तो वो खुश होते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है। फिर भी इस्लाम ने बेटियों को हक दिया है। आप देखें जनाब गुलबदीन के वाक़े में ये भी एक सबक मिलता कि जब फातिमा कलाबिया के वालिद ने सुना तो बहुत खुश हुए, मगर फिर भी कहा कि मेरी बेटी का, क्योंकि इस्लाम ने अल्लाह ने उसे हक दिया है, मैं उसकी इजाज़त ले लूँ कि वो राज़ी है या नहीं। तो वो जब खैमे में आना चाहते हैं अपनी बेटी से इजाज़त लेने के लिए, तो उन्होंने सुना कि उनकी बेटी अपनी माँ से अपना ख्वाब बयान कर रही है। ये कह रही है कि मैंने ख्वाब में देखा कि तीन सितारे और एक चांद आसमान से मेरी गोद में आया। तीन सितारे और एक चांद मेरी गोद में आया। तो फौरी फातिमा कलाबिया के वालिद दाखिल होते हैं और कहते हैं मुबारक हो। ये दर हकीकत पे ये बशारत है कि जो आज अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता आया है, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन से आपको चार बेटे अता करेंगे। ये जो सितारों के मानंद होंगे और इनमें से एक चांद के मानंद होगा, जिसका नाम होगा कमर बनी हाशिम। सलवात पढ़े मोहम्मद। और अहले बैत के घराने में एक से एक खूबसूरत है, एक से एक खूबसूरत के जनाब यूसुफ भी आए तो बनी हाशिम की खूबसूरती को देखते रह जाए। मगर सोचे इन में भी एक ऐसा खूबसूरत निकला जिसे कमर कहा गया। अरब ने जिसे लकब दिया कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। ये जनाब उम्मुल बनीन की शख्सियत कि जब आप इज्तिवाज करके घर में आती हैं तो जब मौला आपको पुकारते और फातिमा कहकर पुकारते तो जनाब उम्मुल बनीन ने गौर किया, देखा कि बच्चे जब लफ्ज़ फातिमा सुनते हैं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का दिल धड़क जाता, उनकी माँ याद आ जाती है। तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि मौला से कि मुझे फातिमा ना पुकार, इसलिए कि जब आप फातिमा पुकारते हैं तो बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं, और अगरचे मेरा नाम फातिमा है मगर मैं उस शहजादी का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं शहजादी की कनीज हूँ। जनाब उम्मुल बनीन का ये मकाम मरतबा कि हमेशा देखें जो दर अहल बैत भी अपने आप को झुकाता है अल्लाह उसे उठाता है, तारीख ने देखा है। देखिए हमारे पास बहुत सारे मौलाए कायनात के अजवाज हैं, मगर आप देखिए किसी भी शिया से जाकर पूछे मौलाए कायनात के अजवाज के नाम, सिर्फ दो के नाम ही बता सकते हैं, एक बिन्त रसूलुल्लाह और दूसरे जनाब उम्मुल बनीन। क्यों? क्योंकि शख्सियतें हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी है। हम हमेशा जो दीन के लिए अहले बैत के लिए कुर्बानियां देते हैं, इसार करते हैं, तशय्यु उन्हें याद रखती है, उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। ये हमारा मेयार अस्हाब रसूल में भी जिन्होंने वफादारी की, बावफा रहे, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उन्हें आंखों पर बिठाते हैं। हम कहते हैं कि हम सलमान अबू ज़र के खाके पा हैं। जनाब सलमान अबू ज़र कहाँ किसी की मजाल है, अस्हाब रसूल की कोई हरमशी करी कर इनके मरतबे तो कोई पहुंच सकते हैं। ये तशय्यु का इम्तियाज है, ये इम्तियाज तशय्यु का कि हम उनका एहतराम करते हैं कि जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी, दीन पर इसार किया। जनाब उम्मुल बनीन के चार बेटे और एक बेटी जनाब अकील की बहू थी, जनाब मुस्लिम ने अकील की जौजा उम्मुल बनीन की बेटी। देखिए जनाब उम्मुल बनीन ने कितनी शहादतें दी है, उम्मुल बनीन के चार नवासे शहीद हैं, दो नवासे
कूफे में जरा मुस्लिम के साथ शहीद, और दो नवासे और एक नवासी, ये जैसे इमाम हुसैन ने अपने हाथों से गोशवारे पहनाए थे, करबला में पामाल हो गए, ये बच्चे पामाल हो गए। जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को निछावर कर दिया, मगर कभी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मर गए। जन्नतुल बकी में बैठती जनाब उम्मुल बनीन और चार खत बनाती और कहती मैं अपने बच्चों पर क्रिया करूंगी, फिर इन्हें मेट देती और इन्हें मिटा देती और एक खत बनाती कहती मैं अपने बेटों पर नहीं रोऊंगी, मैं जहरा के लाल हुसैन पर क्रिया करूंगी। इसलिए कि हुसैन की मां दुनिया में मौजूद नहीं है जो हुसैन पर क्रिया करे। उम्मुल बनीन ऐसे क्रिया करती मदीने वाले जमा हो जाते, यहां तक कि मरवान भी आकर वो खड़े होकर सुनता कि उम्मुल बनीन क्या कह रही है। एक मरतबा जब मरवान ने देखा कि उम्मुल बनीन मसाए पड़ रही है और जहरा के लाल हुसैन का मातम करती है और कहती है कि रसूल के नवासे को मार दिया गया, 3 दिन का प्यासा हुसैन शहीद कर दिया गया, तो मरवान ने जहर देकर जनाब उम्मुल बनीन को मरवा दिया। इसलिए कि जनाब उम्मुल बनीन का ये गिरिया, ये रोना मदीने को तब्दील कर रहा था तकरीबन। जनाब उम्मुल बनीन की शान चौथे इमाम, वो मजलूम इमाम जो हमेशा जब भी आपके सामने पानी आता गिरिया करते, जब भी आपके सामने किसी बच्चे को लाया जाता कहते मौला इसके कान में अजान कह दे, चौथे इमाम उस बच्चे को गोद में लेते, इतना गिरिया करते, इतना गिरिया करते, शायद इमाम को जनाब अली असगर याद आ जाता कि हुसैन ने कैसे अली असगर को हाथों में लेकर तलब आग किया था। चौथे इमाम को जब खबर दी गई जनाब उम्मुल बनीन एहतजार में चली गई। एक मरतबा जब मदीने वाले आए जनाब उम्मुल बनीन से ये कहने के लिए, जनाब उम्मुल बनीन से कि बीबी बताइए कि हम अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहें तो हम क्या करें, बीबी को ऐसा अमल बताएं, कोई नसीहत करें। तो जनाब उम्मुल बनीन आंखों को खोलती है, कहती है फकत ये कहते रहना जिंदगी में, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जनाब उम्मुल बनीन इंतजार में चली जाती। चौथे इमाम करीब आते हैं, जनाब उम्मुल बनीन को गुस्ल व कफन देते हैं। जन्नतुल बकी में आज उजड़ी हुई कब्रों में से एक कब्र जनाब उम्मुल बनीन की भी है, अब्बास की माँ की कब्र भी आज अब्बास की माँ की कब्र पर साया नहीं है। जनाब उम्मुल बनीन दुनिया से गुजर गई, मैं कहूंगा बीबी आपका गुस्ल कफन हुआ, इमाम मासूम ने आपको गुस्ल कफन दिया, जन्नतुल बकी में दफन किया, मगर हाय आपका बेटा हुसैन करबला की जमीन 3 दिन तक जलती हुई जमीन। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत, परवरदिगार हमें जो बीमार है अलील है इल्तिमास दुआ के उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा, दुनिया में जहां जहां मोमिनीन मोमिनात उनकी जान माल इज्जत व दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस इस वबा से महफूज फरमा, मकामाते मुकद्दसा को तहफ्फुज़ फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर देखना नसीब फरमा, उलमाए आलम राज करम का साया हमारे सर पर कायम दायम फरमा, दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान इस्लाम को नीस व नाबूद फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आमाल व अंसार में शुमार फरमा। आपसे गुजारिश है मरतबा सूरह हज़ 3 मरतबा सूरह नास तिलावत फरमा, आज 25 के बाकी 25 के बाद जुमला फरमा।